गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 की साइंस की किताब को पढ़ रहे हैं और इस किताब में हम लोगों ने सबसे पहले फिजिक्स सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट किया था और इसमें हम लोग 3 चैप्टर अब तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चुंबक के बारे में, यानी कि मैग्नेट के बारे में। आइए देखते हैं सबसे पहले कि चुंबक क्या होता है। द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट। ऐसे पदार्थ जिनमें आयरन यानी कि लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। जब चुंबक की खोज हुई थी, जब चुंबक के बारे में पता चला था, तो कुछ इसी तरीके से चला था कि कुछ ऐसे पदार्थ पाए गए जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते थे, उसको खींचते थे। ऐसे ही पदार्थों को क्या कहा गया? चुंबक कहा गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैग्नेटाइट, ठीक है। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो लोहे को या आयरन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आयरन को ही ये आकर्षित करते हैं। आयरन के अलावा जैसे कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, इन पदार्थों को भी चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, मैग्नेट यानी कि चुंबक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है आर्टिफिशियल चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक से मतलब है कि ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से चुंबकीय होते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ या प्राकृतिक रूप से जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण पाया जाता है, वो हम उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें पहले से चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन हम किसी विशेष प्रोसेस के द्वारा उनको चुंबक बना सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं, किसी पदार्थ को चुंबक बना देते हैं, तब वो क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल चुंबक कहलाएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाएगा। यानी कि दो प्रकार के मैग्नेट हो सकते हैं, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम। तो ये दो प्रकार के मैग्नेट हो गए। अब आइए हम लोग देखते हैं शेप ऑफ द मैग्नेट, यानी कि चुंबक की आकृति क्या क्या हो सकती है, यानी कि एक चुंबक का शेप कैसा हो सकता है और इसके आधार पर चुंबक कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, आकृति के आधार पर चुंबक 3 प्रकार का हो सकता है। पहला है इसमें बार मैग्नेट। बार मैग्नेट यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे छड़ चुंबक। ये एक छड़ की आकृति का होगा। इस डस्टर का एग्जाम्पल लें तो ये क्या होगा? एक छड़ चुंबक होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट या फिर छड़ चुंबक। अब देखिए, इस चुंबक में भी अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें एक तरफ होता है साउथ पोल और एक तरफ होता है नॉर्थ पोल। तो चुंबक इस तरीके से होगा छड़ चुंबक, इसमें एक तरफ साउथ पोल होगा, एक तरफ नॉर्थ पोल होगा। दूसरे प्रकार का जो चुंबक होता है वो हॉर्स शू मैग्नेट कहलाता है। ये जो है घोड़े की नाल की आकृति का होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सी की आकृति का होता है। तीसरे प्रकार का जो मैग्नेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है। ये इस प्रकार से होगा, ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें भी वही चीज होगी, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा और पूरा मैग्नेट जो होगा वो सिलेंडर के टाइप में होगा। तो आकृति के आधार पर ये मैग्नेट 3 प्रकार से इस तरीके से हो सकता है। अब इसके पश्चात हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, यानी कि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, ऐसे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं, उन पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे? द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाई द मैग्नेट आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया। तो इस तरीके की ये कुछ पदार्थ होते हैं जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं, उसे हम कहेंगे चुंबकीय पदार्थ। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होगा, उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अचुंबकीय पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अचुंबकीय पदार्थ। जैसे कोई प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक ये मैग्नेट के द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? अचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बार मैग्नेट के बारे में, यानी कि छड़ चुंबक के बारे में। जैसा कि नाम है छड़ चुंबक, यानी कि ऐसा चुंबक जो छड़ की आकृति का होगा, उसे हम कहेंगे छड़ चुंबक। जैसा कि यहां पर दिखाया गया है,
देखिए क्षण चुंबक कुछ इस तरीके का होता है जैसा कि आपको ये डस्टर दिख रहा है, तो कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे बोर्ड पे दिखाया गया है। क्षण चुंबक जो होता है इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल, दूसरा होता है नॉर्थ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। क्या होता है ध्रुव, इसके बारे में समझते हैं। देखिए जब भी हम किसी चुंबक को आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब ले जाते हैं तो आयरन के ये छोटे छोटे पार्टिकल पूरे चुंबक पर एक समान रूप से नहीं चिपकते हैं, बल्कि वो कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है चिपकते हैं और कुछ जगहों पर बहुत कम मात्रा में चिपकते हैं। देखिए जिस जगह पे आयरन के पार्टिकल ज़्यादा मात्रा में चिपक रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर इसका जो चुंबकीय गुण है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है, इसी जगह को हम लोग चुंबक का ध्रुव कहते हैं। किसी चुंबक पर वह स्थान जहाँ पर चुंबक का चुंबकीय गुण सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है उसे हम चुंबक का ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं। तो दो प्रकार के पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब देखिए यदि किसी चुंबक को किसी धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से यदि हम लटकाएं तो आप पाएंगे कि चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ही रुकता है। चुंबक के इस गुण का उपयोग हम दिशा को ज्ञात करने में करते हैं और इसी के आधार पर एक डिवाइस बनाई गई है जिसको हम कहते हैं कंपास। तो आइए समझते हैं कंपास क्या होता है। कंपास एक प्रकार से एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर ग्लास की प्लेट लगी होती है और इसके अंदर एक मैग्नेटिक निडिल होती है जो कि रोटेट करने के लिए फ्री होती है। स्मॉल बॉक्स विथ ग्लास कवर और ए मैग्नेटिक निडिल इज पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली। अब आइए देखते हैं कि हम लोग किसी आयरन की पीस को मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। देखिए मैग्नेट बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, किसी आयरन को पीस को किसी टेबल के ऊपर रखिए और एक मैग्नेट लीजिए और इस मैग्नेट के किसी एक पोल को आप इस आयरन की पीस के ऊपर रखिए और उसे कुछ इस तरीके से इसके ऊपर से रगड़िए, ठीक है। और रगड़ते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बार बार मैग्नेट का पोल नहीं चेंज करना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ देर तक जो है नॉर्थ पोल से ये प्रोसेस की और उसके बाद फिर आपने साउथ पोल से करना स्टार्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको कोई एक ही पोल लेकर के उसके ऊपर से जो है उसको इस तरीके से मूव कराना है और आपको मूव करने की जो डायरेक्शन है ये भी आपको चेंज नहीं करनी है, यानी कि कुछ देर आपने ऐसे किया फिर आपने ऐसे किया तो भी जो है वो प्रॉपर मैग्नेट नहीं बन पाएगा। तो किसी आयरन की पीस को मैग्नेट बनाने के लिए आयरन की पीस के ऊपर एक मैग्नेट लेना है और इस मैग्नेट को कुछ इस तरीके से मोशन कराना है। दो बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है कि पोल ऑफ द मैग्नेट एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन शुड नॉट चेंज, यानी कि आपको मैग्नेट का पोल नहीं चेंज करना है और इसके जो मोशन की दिशा है जो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं करना है। ये प्रोसेस आप कई बार इसको आप रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े समय के बाद ये जो आयरन की पीस है ये मैग्नेट बन जाएगी। अब आइए हम लोग देखते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में, यानी कि कब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या आकर्षित करेगा और कब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल करेगा यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। देखिए अगर हम किसी मैग्नेट को इस तरीके से रखते हैं कि इसके अपोजिट पोल यानी कि एक तरफ नॉर्थ पोल हो और एक तरफ साउथ पोल हो तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप कह सकते हैं कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं, जो असमान ध्रुव होते हैं या जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को और साउथ पोल नॉर्थ पोल को आकर्षित करता है। ये मैग्नेट इस मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा। आप कह सकते हैं कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। अब अगर मैग्नेट के सेम पोल को एक साथ रखा जाए तब क्या होगा। देखिए सेम पोल जो होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है। तो अगर हम इस तरीके से मैग्नेट को लेते हैं तो ये वाला मैग्नेट इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला मैग्नेट इसको प्रतिकर्षित करेगा यानी कि रिपेल करेगा।
आप लिख सकते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर। अब देखिए मैग्नेट के बारे में कुछ और बातें भी हमको ध्यान में रखनी है। जैसे कि यदि किसी मैग्नेट को गर्म किया जाता है या फिर उसको हथौड़ी से पीटा जाता है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो कम हो जाती है। थैंक यू क्लास।